يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے لا محدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے اس مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد قل هو الله احد ترجمہ سماعت فرمائیں کہیے وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور اس جیسا کوئی نہیں ہے تو معزز سامعین کرام یہ ترجمہ آپ لوگ قرآن مجید کے اندر بار بار پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ان آیات کے اندر اس سورت کے اندر جو چھوٹی سی سورت ہے اسے سورت الاخلاص کہا گیا خالص پیور یہ اس وجہ سے کہ یہ شرک سے بھری شرک سے بری سورت بغیر شرک کے ان آیات کو اللہ تعالی نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے چھوٹی سی سورت اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اتاری اور یہ اتنی محبوب سورت ہے کہ اس کے پڑھنے والا ثواب کی حیثیت سے تو ثواب بے شمار پائے گا
इसका समझने वाला आरिफे बाकमाल होगा। और उसके अलावा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा सूरत है, जहां पसंद की बात आई तो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज में सूरह इखलास ही पढ़ा करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने शिकायत भी की कि सरकार ये दूसरी सूरतों को नहीं पढ़ा करते, हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत मुझे बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अहादीस के अंदर बेशुमार बातें आती हैं, लोगों को समझना बड़ा कमाल होता है। चले कहीं इस सूरत से हम कुछ इब्तिदा करते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैंने आप लोगों से एक वादा किया था, वो ये कि अगर अल्लाह हयात बख्शे तो शिर्क जिसे कहते हैं उसे आप लोगों के सामने, ताकि आपको मालूम हो जाए कि शिर्क किन बातों का नाम है। जैसा कि लोगों के नज़दीक और ज़ाहरी उलमा के नज़दीक उन बातों को उन्होंने शिर्क करार दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मसलन किसी ने ऊद बत्तियां जला ली, कितना बड़ा शर्मनाक काम कर दिया उसने कि उसे शिर्क करार दिया। किसी ने कुछ मिठाई रखी और उस पर फातिहा पढ़ दी तो उन्होंने उसे शिर्क करार दिया। और उसे इतना बुरा समझा, उस खाने को इतना ख़राब समझा कि वो खाना बनाना हराम, खाना खिलाना हराम, खुद खाना हराम। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला इनको दीन का फहम दे, इन उलमा को जो ये फतवे लगाते हैं, मालूम करें कि कुल हुवल्लाहु अहद जिस पर पढ़ दी जाए तो अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है, फ़इन काना हरामन फहल्लिल्हु, एक दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो रिस्क तो हमको दे रहा है अगर मेरी तकदीर में हराम रिस्क लिखा है तो तू उसको हलाल कर दे। तो अगर कोई सूरह इखलास पढ़ ले तो उसकी नस्बत से उसका खाना हलाल। काश कि लोग इस पर गौर करते और उसको समझते। चले कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर पहले तज़किरा किया, इस पर हम गौर करते हैं, लेकिन आने वाला महीना ये जो बकरीद का आ रहा है उसके नस्बत से भी कुछ बातें हमको सुननी हैं। तो मैंने एक आयत कई मर्तबा आप लोगों के सामने पढ़ी है, उसकी तशरीह की है कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसी बसर करे, तो कुरान की एक आयत काफ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया, मेरा जिंदा रहना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस परवरदिगार के लिए है जो अल्लाह है तमाम आलमों का पालने वाला। तो जिंदगी का मकसद नमाज उसके लिए हो जाए, हमारी कुर्बानियां उसके लिए हो जाए, हमारा जिंदा रहना उसके लिए हो और हमारा मरना भी उसके लिए हो। ये चार बातें सुनने में तो बड़ी छोटी हैं,
लेकिन उस पर अमल पैरा होना बड़ा कमाल है। अल्लाह हमें दीन का फहम दे। याद रखें कि बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जो बंदा परवरदिगार की तरफ मंसूब करता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसे बोला है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया हो और आपको शिर्क का इल्म ना दिया हो और आप हर चीज को शिर्क मान जाए, ऐसा नहीं है। ये एक हदीस की एक मुख्तसर बात को लेकर के उलमा जोरों शोर से बयान कर रहे होते हैं, जबकि ये आयात से उसका खुलासा नहीं कर रहे। कुल्लु बिदअतिन ज़लालाह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर एक नई बात जो निकाली गई है दीन में, यानी अल्लाह ने जिसे बयान नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे बयान नहीं किया, उसको दीन करार दे करके किसी ने शाया कर दिया, दीन में नई बात बना दी। मसलन पंज वक्ता नमाज है जो फरीजा है, हम सब जानते हैं। कोई कह दे कि 6 मरतबा नमाज फर्ज दिन भर में, तो ये नई बात होगी दीन में। अब फरिश्तों के ऊपर, जैसा कि देखिए पहले इस्लाम को समझेंगे हम, बुनियाद इस्लाम आला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस्सलाह व इताइज़्ज़का व हज्जल बैत व सौम रमज़ान, ये 5 फ़राइज़ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ये 5 फ़राइज़ का नाम इस्लाम रखा गया, इस्लाम की बुनियाद करार दी गई, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई 6ठा काम इसके अंदर शामिल कर दे, वो दिन में नई बात होगी। लेकिन उलमा ने ऐसी कोई बात दीन के अंदर नहीं रखी और ऐसी बात को मजबूती से पकड़ कर नहीं दिखाया कि ये शिर्क है। बहरहाल अब उलमा के ऊपर क्या कहें, ये तो अपने आप को, मैं अपने मदारिस का नाम बड़ा बड़ा लेते हैं और कहते हैं कि हम फलां मदरसे के फारिगुल बाल हैं, अल्लाह इनको दीन का फहम दे। दीन ऐसा नहीं कि कोई मदरसे से ही हासिल करे, दीन के लिए मदरसा शर्त नहीं है। मौलाना पहले मौलाना को ले लेते हैं, फिर आम लोग समझे। और दीन से कहते हैं वो एक हिकमत से भरा हुआ खजाना है, बल्कि हिकमत एक बहुत बड़े खजाने का नाम है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं जिसे चाहता हूँ हिकमत से माला माल करता हूँ, युक्तल हिकमत मैयशा वमन युक्तल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कथीरा, मैंने जिसको हिकमत दे दी तो उसके पास खैर कसीर मैंने उसके हवाले कर दिया। खैर इस्लाम है, खैर ईमान है, खैर नेकी है, खैर नमाज है, खैर अल्लाह की तौहीद है। अलगरज इन तमाम बातों को समझना तो बड़ी बारीकियों की बारीक बातें हैं, जो शिर्क निकल आता है ज़बान से। जैसे मैंने आप लोगों के सामने रखा कि अल्लाह ताला की बाबत ज़बान से कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह कहते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये बड़ी इज्जत भरा लफ्ज़ है कि हम अल्लाह को दे रहे हैं, इसमें अल्लाह की कोई शान नहीं है। अगर कोई कहे कि अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, तो उसके अंदर जो अजमत है, जो शान है, अब इसके अंदर इतनी बारीकी है
زبانی شرک نہ ہو جائے، کیونکہ کہتے ہیں اس سے مراد دو ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں، کثرت جہاں ہوتی ہے اسے لیتے ہیں، اور ہماری یہ اردو ٹوٹی پوٹی زبان ایک طرف ہے، عربی زبان کو لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو جو پکار رہا ہے بندہ کہ اللہ تو نے حکم کیا، تو فرما کا ہے، یہی تو الفاظ عربی میں آئیں گے، جیسے انگریزی وغیرہ جاننے والوں کی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے یو، اب یو کے اندر توحید بھی ہے، اکیلا پن بھی ہے، تو جیسے یہ الفاظ ہیں ان الفاظ سے بھی ہم نے اپنی زبان کو سی لیا ہے کہ نعوذ باللہ ہماری زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو مکروہ، جس کے اندر شرک کی بو رہی، اس لیے ہماری زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیونکہ اسے اپنی وحدانیت بہت محبوب ہے، اس کا اکیلا پن، اب اس کے اکیلے پن کو سمجھنا بھی بڑا کمال ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے اس کے اندر اخلاص کیا ہے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قل کہیے ہوا وہ، یہاں تک مانا ہے، جیسے انگریزی میں کہا جائے دی قل ہو، کہیے کہ وہ ہو، اب اس ہو کو سمجھ لیں پہلے، پھر چلے ہم اللہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی اتاری ہیں جس کے اندر اس ہو کو شامل کیا، اب کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا کلمہ بنا، اب لا الہ الا ہو یہ کس کا کلمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، چلیں دیکھیں کہ اور بھی کیا بیان کرتا ہے، سورہ حشر کی آخری آیات ہو اللہ الذی، وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، کسی کی الوہیت نہیں ہے مگر وہ، یعنی اسی کی، تو اب یہ ہو کو سمجھنا ایک کمال والوں کا کام ہوتا ہے، اب سیدھا سادھا لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں تو وہ کیا سمجھیں، معلوم کریں کہ ایک مرتبہ انسان کو کہا جائے کہ آدمی انسان ہے، بشر ہے، آدم کی اولاد ہے، حیوان ناطق ہے، تو یہ لفظ سنتے ہی ذرا چکر میں آتا ہے کہ نطق رکھنے والا حیوان، کیا انسان حیوان ہے، کیا انسانوں کو انہوں نے جانور قرار دیا ہے، ارے اللہ کے بندے حیوان کہتے ہیں جو زندہ ہے، اسے جسے زندگی دی جائے، جس کے اندر جان ہو اسے حیوان کہا جاتا ہے، نطق رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا حیوان، حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، الغرض ان کی مراتب میں کوئی کمی آ جائے، کوئی مولانا کو کہہ لے کہ آپ مغرور ہیں، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیں حالانکہ ان کی عظمت کیا ہے، پہلے یہ خود پہچان لیں، اور ہر ایک انسان کے لیے لازم آتا ہے کہ اپنی حیثیت کو پہلے معلوم تو کر، انسان اپنے آپ میں جہاں مغرور ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یکن نطفتا من منی یمنا، ایک بدبودار خطرے کے سوا تیری کیا ہستی ہے، کیا ہے، کیا سمجھ رکھا اپنے آپ کو،
और वो खतरा अभी इसको जो कह रहा है वो उसका बनाया हुआ खतरा है। अब खतरे को खून में तब्दील करके, खून को गोश्त के लोथड़े में तब्दील करके, उसके अंदर हड्डियां पेवस्त करके, उसे सुनता देखता बनाकर, उसका चेहरा निखार कर जब दुनिया में बाहर लाता है तो इंसान मगरूर हो गया। अब इतनी सारी बातें पैदा करने वाले ने कह दी। चले कि अब इसके अंदर बहुत गहराइयां हैं और लंबी बातें हैं, लेकिन मैं उसे जरा मुख्तसर कर लूं ताकि हम लोग समझ सकें। अब ये उलमा ये मज़ारात को शिर्क करार देना, ऊदबत्तियों को, फूल की चादरों को, या कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, रसूमात जो होते हैं उसको लेकर के उसे शिर्क करार देना, ये इनका काम है। अब अल्लाह ताला की तरफ चले तो अल्लाह ताला ने इस सूरे के अंदर अपने आप को शिर्क से बरी साबित किया है। कैसे? वो तो वो है, अल्लाह है, अहद है, बेनयाज है, अल्लाह समझ है, लेकिन लम यलिद वलम यूलद के ऊपर सारा माना ला खड़ा किया। मैं मादे तौलीद नहीं हूं। यहां पर बहुत गहराइयां हैं। बस गुमराह तबके हैं जो अकायद मुसलमानों के रखते हैं, लेकिन जहाँ मारिफत इलाह की बात आती है तो वो तौलीद पर चले जाते हैं, तवल्लुद पर चले जाते हैं, पैदाइश पर चले जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तुम अज़ीज़ सामईन किराम, अल्लाह उनको भी तौफीक दे। याद रखें कि यहाँ ये इंसान के साथ अल्लाह ताला ने मादे तौलीद को रखा है, दूसरी मखलूक को भी है, जैसे जानवर हैं, चरिंदे परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। अगर कई अकसाम से अल्लाह ताला ने इन पैदा किया है तो तौलीद जहाँ हो मालूम करें वहाँ पैदाइश है, पैदा होना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मादे तौलीद नहीं हूँ और ना मेरे अंदर मादे तौलीद, ना मैं किसी के औलाद हूँ, ना मेरे से कोई औलाद है। जबकि ये शिर्क भरी बातें जो अल्लाह ताला ने बताई हैं वो यहूद और नसारा की खास सिफात। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, यहूदी कहते हैं कि नाऊद बिल्ला उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालती नसारा मसीह इब्न अल्लाह, और नसारा यानी ईसाई लोग कहते हैं कि नाउज बिल्ला ईसा अल्लाह का बेटा है। बात समझ में आ रही है? लम यलिद वलम यूलद क्यों बयान कर रहा है? क्योंकि ये पैदाइश जो हो रही है ये मखलूक की होती है, खालिक की नहीं। खालिक तो उनसे बरी है, उस उन मादों से बरी है। लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है। ज़हन में रखिएगा, ये सबसे बड़ा शिर्क है। और एक शिर्क है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया कि यहूदी और ये नसरानी, ये मजूसी लोग जो हैं, इन लोगों का एक अकीदा ये बनता है, और खासकर ईसाई लोग भी ऐसी मूर्तियां तराशते हैं और कहते हैं कि नऊज़ बिल्ला फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला ने सवाल किया, कैसा इंसान है? बेटा अपने लिए पकड़ लेता है और हमारे लिए बेटियों को पसंद करता है और कहता है कि फरिश्ते हमारी बेटियां हैं। बात समझ में आ रही है? याद रखिए कि अल्लाह ताला
फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाया, ना फरिश्तों को अपने बेटे। फरिश्ते एक मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए पैदा किया है, और उनका तज़किरा गुज़िश्ता जुमा मैंने किया कि हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने अपना जो खलीफा करार दिया, वो ये शर्फ इंसान को अशरफुल मखलूकात कहलाने पर साबित आता है कि वो अशरफुल मखलूकात हैं, कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने खलीफा को ज़मीन में बनाना चाहता हूँ। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, तो फरिश्तों ने कहा क्या उसको पैदा करेगा जो खून में फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, क्योंकि उससे पहले वाली मखलूक को फरिश्तों ने देख रखा था। और बहुत सारे लोग तो इन बातों को जानते भी नहीं, याद रखते, उससे पहले जिन्नात खड़े पड़े थे जमीन में, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अब जिन्नात में से एक बड़ा पारसा निकला जो फरिश्तों के करीब चला गया, अल्लाह ताला ने उसे इतना मर्तबा दे दिया कि वो फरिश्तों के साथ रहे। लेकिन वो बेखबर था, उसे इल्म नहीं था कि वो उसके अंजाम से भी खबर था, या जो कुछ कहें या अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ताला ने उसको पहले फरिश्तों के पास रखा, फरिश्तों के साथ रखा। जब हजरत आदम को, यानी जो मगरूरी से खाली, तकब्बुर से खाली, मैपन से जो खाली था वो आदम, जिसको अल्लाह ताला ने इल्म से माला माल किया और उसे उस मकाम पर फायज किया कि फरिश्तों के सामने उसे ला खड़ा किया और सवाल किया, ऐ मेरे मलाइका तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्ते कहने लगे कि तू पाक के परवरदिगार, जितना तूने हमको सिखाया उससे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने आदम से कहा कि तुम बताओ जो इन लोगों ने नहीं बताया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन नामों को बयान कर दिया, सिर्फ अम्बहुम बि अस्माइहिम, ये अल्फाज है ज़हन में रखिएगा, नामों को बयान करना था। वो क्या नाम है, वो कौन से नाम है, अल्लाह जिसे चाहता है उसके वो इल्म से भी माला माल करता है, क्योंकि बाप आदम के सर पर लहराता ताज है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, नाम बताए थे। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्ला, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम का नाम, तमाम नागों से, नामों से अल्लाह ताला ने आगाही दे दी, उनको इल्म दे दिया था। जब उन्होंने बता दिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि ऐ मेरे मलाइका देखो मेरे आदम को, जो तुम नहीं कर सकते वो कर सकता है। उसने नाम गिन दिए। अब तुमको लाजिम आता है कि तुम तमाम के तमाम मेरे आदम को सजदा करो। वही कुलना, जब हमने कहा लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, अब आदम के लिए सजदा है, तुम सजदा करो। फसजदू, सब सजदे में गिर गए, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने नहीं, अबा, अना का पुतला बन गया, वस्तकबरा, तकब्बुर करने वाला हो गया, मगरूर हो गया। वो कान मिनल काफिरीन, और इनकार करने वाली कौम में शामिल हो गया। तो याद रखें कि अल्फाज को समझना भी बड़ा कमाल होता है और उसका तर्जमा उसके बाद समझना बड़ा कमाल होता है। यही तो बात है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा से, जबकि सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में हम बैठते हैं, सारी बातें हमको मालूम होती हैं,
आपके बाद हम कहाँ जाएंगे सरकार। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अहलुल्लाह के पास बैठो। सहाबा ने पूछा अहलुल्लाह कौन लोग हैं? मौलाना, मदरसे का फारिग, हाफिज कारी, मुंशी, मुफ्ती, अल्लामा, अफजलुल उलमा, मुफ्ती, किसको कहा? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अहलुल्लाह के पास बैठो। तो लोगों ने पूछा अहलुल्लाह कौन लोग हैं? तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिनके चेहरे देखने से खुदा की याद आए। ये बड़े कमाल की बात है। यूं तो लोग ना जाने कैसे कैसे फैसले करते हैं, लेकिन खास अल्लाह के बंदों की जो शान है उनकी सोहबत में कोई बैठा रहे तो उसे अल्लाह ये ज़रूर याद आएगा। याद रखें, अल्लाह की याद आए। और जिनके पास बैठने से तुम्हारे इल्म में तरक्की हो जाए, तो मालूम हुआ कि तुम्हारे इल्म में तरक्की पहुंचाने वाले अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले, जिनके मज़ारात बनते हैं। तो अब ये अहलुल्लाह के लोग, जो अहलुल्लाह हैं, इन लोगों ने कहा कि वो क्या अहलुल्लाह है? वो सब कुछ भी नहीं है, हुजूर हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं, बस खत्म, उसके बाद कोई नहीं है। क्यों? एक हदीस को उन्होंने पढ़ा और कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन ज़माना तो मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद का ज़माना दो मरतबा कहा, तो इन्होंने दो ज़माने पकड़े। अब ये ज़माने से बेखबर, ज़माने तो इन लोगों ने चुने लेकिन ज़माने से बेखबर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल क़ुरूनि क़र्नी, मेरा ज़माना। आप जानते हैं ज़माना किसको कहा जाता है, उसकी हद कहाँ शुरू है, कहाँ ख़त्म है? अलगरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को इन्होंने लिया हयात ज़ाहिरिया को, और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस इस दुनिया में रहे, तो उन्होंने कहा कि वो एक ज़माना था। फिर उसके बाद सहाबा, या बाज़ लोगों ने कहा कि सहाबा हुजूर ही के ज़माने में थे, इस वजह से वो ज़माना जिसमें सहाबा हुजूर थे वो एक ज़माना है। फिर उसके बाद सहाबा से मिलने वाले ताबईन हैं, फिर उसके बाद बोले तबत ताबईन हैं, यहाँ तक किसी ने कदम तो बढ़ाया, फिर उसके बाद इख्तिताम को पहुँचा कि उसके बाद कोई नेक आदमी नहीं, कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई ज़माना अच्छा नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब मेरी फातिमा की औलाद में से एक बच्चा आएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, और वो महदी होगा और वो दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। अब ये कौन सा ज़माना है? बुरा। यानी तीन ज़माने उन्होंने ले लिए, हुजूर का ज़माना, हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा का ज़माना, ताबईन का ज़माना, तबत ताबईन का ज़माना ले लिया, और उसके बाद तमाम लोगों को, इन लोगों ने जितने भी आए हैं सबके उनके ऊपर इन्होंने मोहर लगा दी, फतवा लगा दिया कि कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई नेक आदमी नहीं, किसी की इत्तिबा नहीं, कोई किसी की बात नहीं ले सकता। तब ये बातें कहाँ तक जाती हैं? मौलाना के इल्म से बाहर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए है। इताअत करना अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और साहिब अमर की। तो मुआज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अब ईमान को गोया इन लोगों ने वहाँ तक काट दिया, अब बेईमानियाँ यहाँ से जारी कर दी, फिर उस ज़माने को कैसे शामिल करोगे जो इमाम महदी का ज़माना आएगा?
معزز سامعین کرام، اب ان لوگوں نے جہاں تک ان کی رسائی ہے، جہاں تک ان کا فہم پہنچا ہے، ان لوگوں نے کہا، لیکن ایک بات ہماری طرف سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایمان والوں کو پیدا کرتا ہے، اپنے دوستوں کو پیدا کرتا ہے، ابدالوں کو پیدا کرتا ہے، قطبوں کو پیدا کرتا ہے، غوثوں کو پیدا کرتا ہے، نیک لوگوں کو پیدا کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نیکوکاروں کی کوئی کمی نہیں، اللہ والوں کی کوئی کمی نہیں. ارے وہ تو ایک ایک ایسی شان رکھنے والے ہیں کہ اپنی سات پشت اوپر کے لوگوں کو اور سات پشت اپنی اولاد میں سے آنے والوں کی مغفرت ایک آدمی کروا سکتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہے. امت کے اولیاء کی شان میں آپ کہاں گستاخیاں کر رہے ہو؟ تو معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں، ظاہری علماء، جیسے مزارات کو جانا شرک ہے، فاتحہ خوانیاں کرنی شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، یہ سب شرک انہوں نے پیدا کیے ہیں. نہ قرآن میں لکھا گیا، نہ حدیث سے کوئی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ ان کا پیدا کرتا شرک ہے، انہوں نے پیدا کیا نئے شرکوں کو، اور دین میں نئی بات انہوں نے پیدا کی ہے. یہ انہوں نے ہر اچھی چیز کو شرک قرار دے کر دین میں نئی بات ان لوگوں نے پیدا کی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا ہے. سیدھا سادہ مسلمان جو ایک اللہ کی طرف جانے والے ہیں، ان لوگوں کو بانٹ دیا ہے علماء نے، اپنا اپنا گروہ بنا کر. تو معزز سامعین کرام، اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سوال نہیں ہوگا، حشر کے دن دیکھیے گا انجام. سیدھا سادہ مسلمان تو بچ نکلیں گے، کیوں؟ جو جانتا ہے کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، بزرگوں کو چاہتا ہوں، یہ سب باتیں جو اس کے دل میں رہتی ہیں نا، یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس عقیدے سے بھی انسان بچ جائے گا. جبکہ ان لوگوں نے قرآن کی آیات کو لیا، احادیث کو لیا، اسے توڑ مروڑ کر کے لا کر کے ثابت کرنا چاہا کہ یہ گروہ شرک کرتا ہے، یہ گروہ شرک کرتا ہے، ہم توحید والے ہیں، سیدھے ہم چلے جائیں گے. ارے اللہ کے بندے، ہر مسلمان توحید پر جب آتا ہے، جب توحید کا اقرار کرتا ہے، تب مسلمان ہے. جو توحید کا قائل نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو آپ ہر طبقے سے پوچھیں، وہی تو ہی کہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں. یہی بات تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہی تھی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ انہوں نے پہلے تارے کو دیکھا، خیال کیا کہ یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے چاند کو دیکھا، خیال کیا کہ غالباً یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے. جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کو چلاتا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، وہ پاک اور منزہ ذات ہے. یہی اسلام کا عقیدہ ہے، یہی توحید ہے. ذہن میں رکھیے گا، ہر کوئی مانتا ہے اللہ کو، کیسا مانتا ہے؟ کیا اس کا کوئی شریک مانتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان شریک نہیں مانے گا. اگر کوئی شریک مانتا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب رہی بات کہ کسی بزرگ کی تعظیم کرنا، کسی کی زیارت کرنا، کسی کے پاس جانا، یا کوئی الفاتحہ کہہ کر کھانے پر دم کر کے کھا لینا، اس کو شرک قرار دینا، یہ اللہ نے اس کو شرک قرار نہیں دیا. اللہ کا نام جس پر پڑھا جائے وہ حلال بن جاتا ہے.
आपने हराम और हलाल की तमीज भी नहीं की। इन्नमा हर्रमा अलैकुम अल-मैतत वद्दम वलहम अल-खिंजीर, चार चीजों को अलग कर दिया। हराम है तुम पर मुर्दा चीजें, खून, खिंजीर का गोश्त। फिर फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो हलाल नहीं है जिस पर अल्लाह का नाम ना हो। अल्लाह के बगैर जो चीज़ है वो हलाल नहीं, जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ लिया जाए वो हलाल है। वो तो मालूम करो, एक हदीस भी मैंने इशारे के तौर पर रखी थी ताकि लोगों को फहम खुले। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गैर मुस्लिम रिश्तेदार हैं या दोस्त आशने हैं, दोस्त प्यार हैं, उनके घर से हमारे यहाँ पका हुआ गोश्त आता है और वो कहते हैं कि ये ज़बीहा है अल्लाह के नाम पर, बिस्मिल्लाह कहकर उन्होंने ज़बीहा है तुम्हारे पास पेश किया, हम इसका क्या करें सरकार, क्या फेंक दें? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो गवाही देते हैं कि अल्लाह के नाम का ज़बीहा है, हमने ज़बह करके तुमको गोश्त पेश किया है, हलाल गोश्त तुम्हारे घर पहुंचाया है, फिर भी तुमको शक है, गौर करें, फिर भी तुमको शक है तो अल्लाह का नाम पढ़ो और खा लो। अरे अल्लाह के नाम की बरकत से भी बेखबर है ये, किसी खाने पर अल्लाह का नाम पढ़े, किसी पर सूरह फातिहा पढ़ ली जाए, किसी पर कुल अल्लाह वाहिद सूरत पढ़ ली जाए तो जहर है, तो जहर उससे उतर जाएगा, खारिज हो जाएगा, निकल जाएगा, जहर जाते हैं आप सब। तो मौजी सामीन कराम, अब इन तमाम मसाइल को लेकर के पहले उलमा इन बातों को जहन में रखते हैं, उसके बाद में जहाँ कहीं कुछ बारीकियाँ दिखते हैं, देखिए चंद अकायद गलत मुसलमान भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा साधा लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं है, चंद गलत अकायद भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनका इस्लाह करना ज़रूरी है। याद रखिए, तो माज़ी सामने कराम, लेकिन दीन से कहते हैं वो पाकीज़ा दीन है, दीन हनीफ है, दीन कय्यम है, आप उसको क्या करना चाहते हो, उसे उसकी जगह पर। एक आदमी है हमारे अंदर, हजारहा समझाए लेकिन उसके बावजूद भी बुराई करता है, वो गुनहगार है, उसे दीन का बुरा हो जाएगा? चंद लोग अगर बुराइयां करते हैं तो क्या दीन बुरा होता है? तो याद रखें, कहीं ऐसे अकायद को जब देखते हैं तो वो दुनिया वालों के सामने लाते हैं, कहते हैं कि नाचते हैं, ये गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ ये सब गलत तरीके हैं। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान बने रहें और मुसलमान इस बात से खबरदार रहें, इस बात से मुसलमान खबरदार रहें कि आज हम बैठे हैं, कल अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना है, पुलसरात पर हमें चलना है, जो 500 साल का रास्ता है, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, इस पर मुसलमान खबरदार रहे। खुदा की कसम, यहां से निकल जाने के बाद कोई जरिया नहीं बनता कि जिसकी वजह से हम अपनी आखिरत को बना सकें, यही दारुल अमल है, यहीं पर आखिरत बनानी है, यहीं पर सब कुछ पाना है, यहीं पर जन्नत भी पाना है या दौलत भी, जिसे जो चाहे उठा ले। यहां से जाने के बाद जन्नत दौलत हो फैसले हैं, हशर है, रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा कि आपने क्या गुल खिलाया, बताया जाएगा कि आपने क्या क्या किया, कितनी मगरूरी की, ये सब खोल कर आपको दिखाने का नाम हशर है, फैसले का रोज। उस रोज ये खास अल्लाह ताला की तरफ से अपनी बादशाहत का इजहार किया जाएगा, दोज़खियों को दोज़ख में डाला जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और करीब रहने वालों को करीब भी कर दिया जाएगा।
क्योंकि तीन तरह के लोग हैं, जहन में रखे हैं। जन्नत को जाने वाले जन्नत में जाएंगे, दोजख को जाने वाले दोजख में जाएंगे, और अल्लाह के करीब रहने वाले अल्लाह के करीब रहेंगे। ये तबके को उलमा काटते हैं, जिनको मैं अहलुल्लाह करार देता हूँ, अल्लाह की जमात, उलाएक हिज़्बुल्लाह, उनकी शान है, वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, याद रखते हैं। तो वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे जो हैं वो कुर्ब में रहेंगे। बाकी रहा, यहाँ से हम लोग इतनी गफलत में पड़े हैं कि हम जानते ही नहीं कि गोया अपने कंधों पर अपनों को ले जा कर के खबर में रख के आते हैं, और एहसास नहीं होता कि हमको कल यहाँ पर ऐसे ही लेट के जवाब देना होगा, हमारे ऊपर लोग मिट्टी डाल के चले जाएंगे, यह ख्याल भी नहीं आता मुसलमानों को। वो हो गया उसका किस्सा, उसे दफन करके आ गए, अब हम गोया 1000 बरस की जिंदगी हमने रिकॉर्ड कर ली कि हम यहाँ बहुत दिनों तक जीते रहेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम बड़े आदमी बनेंगे। ये मुसलमान नहीं है मेरे भाई, बड़ा अल्लाह है, वो हमारी तकदीर का बादशाह है। जितने दिन सांसें रखी हैं उस दिन तक हमारी हयात है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, कमाना धमाना, ये जो कुछ कर रहे हैं यहाँ तक है, इसे जहन में रखो। और ऐसे लोगों की सोहबत से भी बचो जो कि आपको अल्लाह की तरफ से हटा करके कुछ अलग अकायद बताते हैं। जैसे मज़ारात के ऊपर ये ढोल पीटने, कव्वालियाँ गाने, और रात भर उसके अंदर हा हा हू करते रहने को इबादत समझ रहे हैं। याद रखिए, इबादत नहीं है। अपनी रात को बेकार करने का आज जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। हाँ, एक आलम था कि अल्लाह वालों के नज़दीक एक हाल पैदा होता है, उस हाल में वो चंद अशआर अल्लाह की शान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसे पढ़ते और झूमते थे, तो वो अलग चीज़। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये तो पूरी रात बेकार करना है और अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाना है। उसमें अल्लाह की याद बढ़ती है, इसमें अल्लाह की याद कम होती है, इसे उसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐसे बातों से आप बचें, ऐसे महफिलों से बचें, अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करें, दीन का फहम हासिल करें, हमसे अल्लाह क्या चाहता है ये मालूम करें, अल्लाह हमारा कौन है ये मालूम करें, अल्लाह हमारे अंदर है मालूम करें, अल्लाह हमारे साथ है मालूम करें। इन बातों को जहन में रखें, इंशाअल्लाह फिर मज़ीद तफसीलात आप लोगों के सामने शिर्क ही से ताल्लुक़ रखने वाली लाने की कोशिश करूँगा कि इंसान अगर नीयत में फ़र्क करे तो शिर्क पैदा हो जाता है। इंसान नीयत में फ़र्क कर ले तब भी शिर्क पैदा हो जाता है, ज़हन में रखिएगा बारीक बात। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो दावा किया वो उन लोगों पर किया कि वो लोग शिर्क कर रहे हैं, कि नऊज़ु बिल्लाह उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं, या ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हैं। तो ये अल्लाह के ऊपर बुहतान बांध रहे हैं, अल्लाह के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, जबकि वो लम यलिद वलम यूलद साथ। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, वक्त की किल्लत है, अगर अल्लाह हयात बख्शे तो मज़ीद तफसीलात अगली सोहबत में आप उनके सामने पेश करने की कोशिश करूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को सही मानों उसके कलाम के समझने की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह हमारी गुनाह कबाइर व सगाइर को माफ़ फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल हम तमाम को अल्लाह वालों की सोहबत नसीब फरमाए, और उन अल्लाह वालों से अल्लाह ताला हम तमाम को फैज़ आप फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारक अल्लाहु लना व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र हकीम, इन्नहु तआला जब्बारुन करीम, मलिकुन क़दीर, बदरुर रहूफुर रहीम, व रब्बुल आलमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.